बहुत ही लाइवली क्लास है, बहुत ही डिटेल में सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंपली जो याद रह जाए ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। द वे सर कन्वे हिज मैसेज एंड द वे ही गाइड आर सेल्फ, इट्स लाइक वी डोंट नीड इवन टू यू नो सी द कॉपी एंड नोट्स एंड एवरी थिंग, हिज लेक्चर इज इनफ टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग। ही गिव द प्रैक्टिकलिटी अबाउट द वास्तु एंड ही एक्सप्लेन सो ब्यूटिफुली इवन द न्यू बॉर्न चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड Where we to use the vastu, how we to use the vastu. मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ यहाँ 3 दिन रहूँगी मेरा सब काम छोड़ के, लेकिन मुझे कल तो बहुत ही नॉलेज मिला कि जो शायद मेरे बिजनेस में कभी नहीं मिलता। सर मैंने बहुत जगह कोर्स की है, मगर अरविंद सूद जी का कोर्स है बहुत, जो बोला जाए बॉटम लाइन न्यूड कोर्स है, पूरा क्लियर दिखाते हैं वास्तु, वॉट इज वास्तु सिखाते हैं, उनका जो एनर्जी लेवल है इज अ अमेजिंग लेवल, सो आई रिकमेंड ऑल पीपल आके कोर्स कीजिए। जोर से यार, और जोर से, पूरे जोश के साथ। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोशिश करता हूं कि अपने संग्राम बेरी रोज आऊं, बजाऊं और आपको बता पाऊं कि आप वो नहीं हैं जो आप अपने आप को समझते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जो मैं सुनता रहता हूँ, अच्छी लगती है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो स्टोरी सुनना चाहेंगे आप? वो स्टोरी कुछ इस तरह से कि आपने देखा होगा कि एक कुम्हार आप सब लोग समझते हैं ना, जो घड़े वड़े बनाता है, निर्मला जी कुम्हार, मेरे ख्याल बहुत से लोगों ने सुनी हुई है स्टोरी, बट फिर भी मैं बार बार सुनाता हूँ। तो एक कुम्हार था, वो जो मिट्टी के घड़े बनाने वाला था, तो उसको लगा कि आजकल जो यंग जनरेशन है ये चिलम की बड़ी शौकीन है, चिलम पीती है आजकल, है ना, हुक्का पीती है, चिलम पीती है, तो चिलम बड़ी फैशन में है। तो उसने सोचा अपन अभी घड़ा वड़ा नहीं बनाएंगे, सुराही नहीं बनाएंगे, अपन चिलम बनाते हैं तो बहुत बिकेगी। तो उसने मिट्टी को पानी डाला, गूंधा और उसमें चिलम बनाना शुरू किया। तो जब वो चिलम बना रहा था, बना बना के रख रहा था, तो उसकी पत्नी आ गई, कुम्हार की पत्नी आई। तो उसने कुम्हार से पूछा कि क्या बना रहे हो? कुम्हार ने बोला मैं चिलम बना रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि चिलम बड़ी फैशन में है, बच्चे लोग पीते हैं और खूब बिकेगी, सुराही आजकल उतनी नहीं बिकेगी लेकिन चिलम बहुत बिकेगी। तो उसकी पत्नी ने उसको सुजेशन दिया कि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी गर्मियों के दिन है, चिलम उतनी नहीं बिकेगी, तो सुराही बनाएगा तो ज़्यादा अच्छी बिकेगी। तो कुम्हार को लगा यार बात तो ठीक है, गर्मियों के दिन है, चिलम उतनी शायद नहीं बिकेगी, तो मैं सुराही बनाता हूँ। उसने वो जितनी भी चिलम बनी हुई थी मिट्टी की, उसको उठाया, पानी डाला, ऊपर से और मिट्टी डाली और उसको दोबारा से गूंध दिया, तो सुराही उसने बनानी शुरू करी। तो जब सुराही बनानी शुरू करी तो मिट्टी के अंदर से आवाज आई कि कुम्हार पहले तो तू कुछ और बना रहा था, अब तू कुछ और बना रहा है, क्या हुआ? तो कुम्हार ने बोला मेरा विचार बदल गया है। कुम्हार ने बोला मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने जो बोला वो दिल को छू लेने वाला है। तो मिट्टी ने बोला कुम्हार तेरा तो विचार बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया। अगर तू चिलम बनाता, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, अब तू सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला सर, कुम्हार भी वही, मिट्टी भी वही, सिर्फ उसका विचार बदल गया। 10-12 स्टूडेंट बैठे हुए थे, मैंने बोर्ड के ऊपर डेट लिख दी थी, बोर्ड के ऊपर जो व्हाइट बोर्ड था उसके ऊपर डेट लिख दी थी कि इस डेट तक मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमा लूंगा। 8 लाख रुपए इनकम वाला बंदा लिख देता है कि 6 महीने के बाद मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमा के दिखाऊंगा। कैसे कमाऊंगा कुछ पता नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, बस विचार बदलेगा कि कर दूंगा सर। और मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूं उस डेट से हफ्ता पहले हमने 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम जनरेट कर दी थी सर। मेरा विचार बदल गया था बस गायत्री, मेरा विचार बदल गया था कि मैं कर दूंगा। जो आपकी इनकम है अगर आप उसको 1 करोड़ रुपए महीना या 10 करोड़ रुपए महीना अगर आप कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने वो पैसा कितना कमाया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोसेस में जो आप इंसान बन जाते हैं ना, कैसे इंसान बन जाते हैं और कैसा इंसान होना चाहिए उस प्रोसेस में, वो जो बन के निकलते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार मेरे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
बट आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी को, परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, मुझे पता है वो निरंतर मेरे को सुनता रहता है, ऐसा कुछ देके जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि जो हिस्ट्री में शायद गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छोटा हो जाएगा और उसको हम पूरा कर देंगे, वो भी छोटा हो जाएगा, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के वो छप उसके काबिल नहीं है। बट मज़ा तो तब है जब आप जन्म से जीवन की यात्रा को तय करेंगे, तब मज़ा आएगा यार। तो मैं आपके जीवन में सिर्फ आपको चोट करता रहूँगा, छैनी के साथ, हथौड़े के साथ चोट करता रहूँगा कि भैया जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। और मेरा एक पेट डायलॉग है, बहुत ही पेट डायलॉग है, जिसमें आपको डर भी लगेगा और लगना भी चाहिए, डरना ज़रूरी है। आप अपने अपने चेहरों को देख लीजिए, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन। आता हूँ सर, आपकी भी बात सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन। कि यहाँ पर अगर 60 लोग बैठे हैं, सबका एज लिखो, टोटल करो और इक्वल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो औसतन मेरे को लगता है 45 साल की आएगी उम्र, तो थोड़ी सी ही बची है। और पहली पिक्चर आपकी हिट है नहीं, मैं बता दूं, ज्यादातर लोगों की पिक्चर हिट नहीं है। बट योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर प्रेजेंट। जो पहली पिक्चर हिट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरवल के बाद की पिक्चर हिट नहीं हो सकती, बाद की भी हिट हो सकती है। तो उसको कम से कम मौका मत जाने दीजिएगा। आपकी इंटरवल के बाद की पिक्चर हिट हो सकती है, मेरी तो देखो इंटरवल के बाद ही हिट हुई है यार। तो हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को तो छू के दिखाना है, उससे पहले आसमान को छू के दिखाना, तो पहले आसमान को छुओ, फिर बात करेंगे क्या है। आपका जीवन कितना लंबा होगा ये हमें नहीं पता है, ये आपके हाथ में नहीं है कि आपका जीवन कितना लंबा होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, पर ये जीवन कैसा जिएंगे ये तो आपके हाथ में है यार। कितना जिएंगे वो किसी को नहीं पता, पर कैसे जिएंगे वो तो आपके हाथ में है यार। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसा जीवन जी रहा। आप 1 करोड़ रुपए महीने का क्यों नहीं कमाते, बड़ा सिंपल सा रीजन है, सुनना चाहती थ्रुति? क्योंकि आपको लगता नहीं कि आप कमा सकते हैं, आपको लगता ही नहीं है, इसलिए नहीं कमा पा रहे आप, है ना, आपको लगता नहीं है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, शेर को किसी ने पूछा, साले तू सबसे तेज नहीं भागता, तो जंगल का राजा है तू, वो तो चीता भागता है, तू भी तो जंगल का राजा, सबसे ताकतवर नहीं है तब भी तो जंगल का राजा है, वो तो हाथी है, सबसे चलाक नहीं है वो तो लोमड़ी है, तो भी तो जंगल का राजा है, सबसे ऊंचा नहीं है तो भी तो जंगल का राजा है, वो तो जिराफ है, तो क्यों है तू? तो जो उसने जवाब दिया वो बड़ा दिल को छू लेने वाला है। तो उसने जवाब दिया शेर ने, मुझे लगता है, मुझे लगता है। सिर्फ उसको लगता है इसलिए वो राजा है, इनको लगता नहीं है सालों को ये राजे हैं, उसे तेज बलवान हाथी सा हाथी लतांग मारे मर जाएगा शेर, पर उनको लगता नहीं है, शेर को देखे वो लगता है ये मुझे खा जाएगा, वो भागता है, जबकि वो मार सकता है उसको, लेकिन उनको लगता नहीं है। तो आप भी 1 करोड़ रुपये महीना इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि आपको लगता नहीं है। कुछ लोगों से मिलकर ना बड़ा मेरे को इंस्पिरेशन होती है, छोटी सी बच्ची है सूरत से ना, इसने कल मेरे को बताया कि सर मैं आई एम मीटिंग फर्स्ट टाइम फिजिकली फेस टू फेस में पहली बार मिल रहा हूँ। ये छोटी सी बच्ची मेरे को कहती है सर कि आपका कोर्स मैंने किया, मैंने 2000 की फीस स्टार्ट करी और आज मैं 7000 रुपया फीस कमांड करती हूँ, सूरत में रह के 7500 फीस कमांड करती हूँ और बहुत अच्छे पैसे कमा रही हूँ, क्योंकि इसे लगता है कि लोग देंगे, इसे लगता है। हमारे जीवन में या हम इनके जीवन में 2 साल पहले आए जनक जी के, राइट सर, 2 साल की बात होगी, बैंगलोर में हम मिले थे, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, हम पहली बार वहां पर मिले थे। तो मेरे से मिलने के बाद मेरी बातें सुन के इनको भी लगा कि कुछ हो सकता है। आप इनका अचीवमेंट सुनेंगे पिछले 2 साल का, इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 74 साल की एज में इनको लगा, मुझे तो 51 में लगा, इनको 74 में लगा। इन्होंने किताबें लिख दी हैं पिछले 2 साल में और इसी प्रोफेशन से 1-2 लाख रुपए की इनकम महीने की जनरेट कर दी है इस एज में बेंगलोर के अंदर। ठीक कह रहा हूं सर, क्यों? इनको लगता है कि ये कर पाएंगे। तो डेड एंड के जो फ्लैट्स या डेड एंड के जो घर होते हैं, क्या इसका इंपैक्ट होता है नेत्रा जी, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले तो नाम देखिए कितना खतरनाक है, डेड एंड प्लॉट, डेड एंड, जहां पर आदमी क्या एंड हो गया है और डेड हो गया है,
एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी को खाली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी अपना रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढती है। पहला ऑप्शन जो सबसे बढ़िया ऑप्शन जिसमें हम समझेंगे कि ऑलमोस्ट हमने 80-90% ठीक कर लिया, कुछ नहीं करना है, सीधी दीवार लगा दीजिए सर, दैट्स ऑल। इसके सामने कभी भी गेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले दीवार लगा दीजिए। और अगर दीवार भी लगानी है तो कोशिश करें, अगर ये वाली वॉल आपकी 4 इंच की है तो इसको 6 इंच या 8 इंच कर दीजिए आप, जितनी मोटी होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सुबह जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठ के जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप रात भर सोचते हैं कि यार कल गाड़ी चलानी, गियर कैसे डालूंगा, आगे डालूंगा कि पीछे डालूंगा, अच्छा एक्सेलेटर पे पैर कहीं उल्टा पड़ गया ब्रेक की बजाय तो क्या होगा, ऐसा गाड़ी चलाते हुए सोचते कभी आप, क्या सोचते ऐसा? क्या आप सीधा उठते हैं गाड़ी में बैठते हैं, फोन इधर होता है, टक 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 चला रहे होते हैं, चला रहे होते ऑटो पायलट में है ना? तो ये आपके ऑटो पायलट पे यहाँ होना चाहिए कि आप सुबह जाएं तो आपको याद नहीं रखना चाहिए कि आज वास्तु में क्या होने वाला है। बेसिकली ओपन एरिया क्या है, आप अगर पुराने जमाने में जब घर बनाते थे लोग, जब ये फ्लैट कल्चर नहीं था तो अब रोड्स ही होती थी, क्या होता था, रोड्स ही होती थी ना सर, फ्लैट कल्चर ही नहीं होता था। तो जहां रोड होगी ऑटोमेटिकली उसके सामने जब आप घर बनाएंगे एयर और लाइट तो आना ही है आपको, आएगा ही आएगा ना। अब क्या हो गया, फ्लैट में वो जो कॉरिडोर है हमारा, वहां ना एयर ना वहां पर लाइट, और एयर और लाइट आ रही है मेरे को बालकनी से, जबकि हम बात करें ओपन एरिया इज इक्वल टू एयर एंड लाइट। पुराने जमाने में क्या होता था, हैंडपंप, अभी भी इसको हैंडपंप में क्या मशीन लग जाता है और जमीन से पानी निकल के आप निकाल सकते हैं उसको। अगर आपके घर में 50-100 इफेक्ट्स होंगे ये अकेला झेल सकता है, इतनी ताकत है इसके अंदर। और अगर आप ये देखिए कि आपके घर में अगर डिफेक्ट नहीं है और अगर ये लगा हुआ है तो ये समझ लो कि सीधी प्रॉस्पेरिटी की जो गंगोत्री है ना, वो सीधी चल के गंगा आपके घर में सीधी जिंदगी भर बहती रहेगी। अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करें तो समझिए कि प्रॉस्पेरिटी की गंगोत्री का, गंगोत्री पे सीधी अपने पाइप फिट कर दी है प्रॉस्पेरिटी की, और वहां से सीधा डायरेक्ट लिंक प्रॉस्पेरिटी का, पैसे का आपके घर में परमानेंट आ गया है। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट। सबमर्सिबल का पानी मिनिमम 50-100 फीट तो नीचे जाएगा ही सर, इससे नीचे तो होगा नहीं ना, 50-100 फीट अगर जाएगा और वहां से जब पानी ऊपर आएगा तो उसकी वेलोसिटी का जो प्रेशर है बहुत हाई होगा। जब वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ बाहर पानी निकलता है तो जहां से भी वो निकलेगा उस एनर्जी को क्या करेगा, शेक कर देगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी, ईस्ट की एनर्जी और नॉर्थ की एनर्जी को वो शेक करे। शेक करने से क्या होगा, शेक करने से क्या होगा कि जो प्रॉस्पेरिटी को बहुत इजी से आना था वो थोड़ा मुश्किल हो गई। एग्जांपल, आपने फिल्मों में देखा होगा, बचपन में जरूर देखा होगा, अब तो वो जमाने चले गए, कि ऐसे पोल के ऊपर रस्सी होती थी और लड़की उसके ऊपर चलती थी बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करती थी, ठीक है, एक्सिस के ऊपर चलती थी और आराम से एक कोने से दूसरे कोने पर चलती थी, उसको बैलेंस करती एक्सिस के ऊपर। अगर मैं उस रस्सी को हल्का सा पकड़ के ऐसे हल्का सा शेक कर दूं, लड़की गिर जाएगी, क्योंकि आपने उसकी एक्सिस का जो एनर्जी का फ्लो था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो यहां पर क्या है, प्रॉस्पेरिटी बड़े आराम से बेचारी आ सकती थी, आपने उसको शेक किया तो उसको आने में थोड़ी अड़चन। जो आपकी बॉडी का बिहेवियर पैटर्न है वही आपके हाउस का पैटर्न है, और जो आपके हाउस का पैटर्न है वही आपकी बॉडी का पैटर्न है। जो चेंजेस आपके हाउस में आएंगी वो आपकी बॉडी पे आएंगी, और जो आपकी बॉडी पे चेंजेस आ रही हैं वो आपके हाउस की वजह से आ रही हैं। तो एक ही छोर के दो हिस्से हैं, एक पे आपका घर खड़ा है और एक पे आपकी बॉडी खड़ी है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सी यू टुमारो, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरविंद सूद, देयर आर नो वर्ड्स फॉर हिम, ही इज सच अ डाउन टू अर्थ, सच अ प्लेन लुकिंग, एंड ही रियली गेट्स इन टू द हार्ट्स ऑफ अस। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन्स दैट आई हैव टेकन टू लाइक यू नो कम हियर एंड लर्न दिस अमेजिंग साइंस ऑफ वास्तु। एब्सोल्युटली नो वर्ड्स टू थैंक हिम, आई एम सो ग्रेटफुल। आने से पहले मेरे मन में ना ऐसे था जैसे वास्तु पहाड़ जैसा है, तो उस पर चढ़ने जैसा लग रहा था,
पर यहाँ पर आया तो सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि एक एक स्टेप करके उन्होंने हमें ऊपर तक चढ़ा दिया और हमें पता भी नहीं चला और सांस भी नहीं चढ़ा। उनका पढ़ाने का जो ढंग है बहुत ही बढ़िया, बहुत बीच बीच में हंसाते रहते हैं और बड़े ही सरल तरीके से जो है कंसेप्ट क्लियर करते हैं। वास्तु के बहुत सारे मिथ्स थे जो क्लियर हो चुके हैं और बहुत सारे अवेकनिंग चीज़ें थी जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर।